हेलो गाइस व्हाट्सअप दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बारिश में प्रयोग होने वाले शब्द और उनसे बने सेंटेंस, जैसे कि बिजली कड़कना, बादल का गरजना, बारिश होना, बारिश में भीगना, बारिश की बूंदें, ये तमाम चीज़ें हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों कहीं मत जाइएगा, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों बारिश का मौसम तो चल ही रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं बारिश के मौसम की। तो बारिश के मौसम को अंग्रेज़ी में हम कहते हैं रेनी सीज़न। और जो बरसात का मौसम चल रहा है, अगर आपको बोलना है कि बरसात का मौसम चल रहा है, तो आप बोलेंगे इट्स रेनी सीज़न। और जो बारिश होती है इसको हम कहते हैं rain। और जो बारिश होना होता है, बारिश होना की हिंदी होती है रेन, या फिर इसको हम बोलेंगे रेन फॉल। अगर आपको जैसे कि बोलना है कि बारिश हो रही है, तो आप दो तरह से बोल सकते हैं। एक तो ऐसे इट्स रेनिंग, और दूसरा तरीका है ये द रेन इज़ फॉलिंग, यानी बारिश हो रही है। मूसलाधार बारिश हो रही है। वैसे मूसलाधार बारिश को हम बोलते हैं कैट्स एंड डॉग्स रेन। तो इसको हम बोलेंगे इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स आउटसाइड। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है। दूसरा तरीका में एक और है, इसको बोल सकते हैं इट्स हैवी रेनफॉल आउटसाइड। और दोस्तों अब आप बात करते हैं बादल गरजना। बारिश में अगर बादल ना गरजे तो मज़ा ही नहीं आता है। बादल गरजने को हम बोलते हैं थंडरिंग ऑफ क्लाउड्स। तो अगर आप बोलना चाहते हैं कि बादल गरज रहे हैं, तो आप बोलेंगे द क्लाउड्स आर थंडरिंग। बिजली चमकने को बोलते हैं लाइट स्पार्क। अगर आपको बोलना है कि बिजली चमक रही है, द लाइट इज़ स्पार्किंग, बाहर मत जाना, बिजली चमक रही है। बारिश के मौसम में हम ओलों की भी बात करते हैं। ओले काफ़ी गिरते हैं, अगर आपके शहर में नहीं गिर रहे हैं तो कहीं और हम लोग न्यूज़ पे देखते हैं कि भाई वहाँ पे ओले गिरे हैं। तो ओले को हम बोलते हैं हेल स्टोन्स। अगर आपको बोलना है कि ओले गिर रहे हैं, तो आप बोलेंगे हेल स्टोन्स आर फॉलिंग। कभी कभी दोस्तों हम ये भी सुनते हैं कि बिजली गिर गई, पेड़ पे बिजली गिरी या भैंस पे बिजली गिरी है। तो बिजली गिरना जो है अंग्रेज़ी में होता है लाइट स्ट्राइक मीन्स बिजली गिरना। तो अगर आपको बोलना है किसी चीज़ पर बिजली गिरी, जैसे कि मान लेते हैं पेड़ पर बिजली गिर गई, कभी कभी पेड़ पे भी बिजली गिर जाती है, पेड़ टूट जाता है, गिर जाता है, तो उसको बोलेंगे द लाइट स्ट्राइक ऑन द ट्री। यहाँ पे स्ट्राइक की सेकेंड फॉर्म लेंगे ईडी लगा के। दोस्तों बारिश में अक्सर गड्ढे भी होते हैं, तो हम कुछ वर्ड इसको भी सीख लेते हैं कि गड्ढे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। गड्ढे को हम बोलते हैं pit। और जो नाली होती है, नालियों की काफ़ी बात करते हैं कि भाई नालियाँ भर गई हैं पानी से, तो नाली को बोलते हैं रनल। और जो बड़ा नाला होता है, वो भी सारे भरे होते हैं बारिश में, उस बड़े नाले को हम बोलेंगे ड्रेन। और जो पानी इकट्ठा होना होता है, जगह जगह पे आप देखते हैं पानी इकट्ठा हो जाता है, तो उसको बोलेंगे वाटर लॉगिंग। काली घटा, बारिश से पहले अक्सर हमारे यूपी में काली घटा बहुत छाती है, तो उस काली घटा को बोलते हैं डीप ब्लैक क्लाउड्स, यानी कि काली घटा। तो अगर आपको बोलना है कि सुबह से काली घटा छा रही है, तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं देयर आर डीप ब्लैक क्लाउड्स सिंस मॉर्निंग। कीचड़ भी काफ़ी लग जाती है बारिश में। अगर हम चल रहे हैं तो हमारे पैरों पे अक्सर छिटक छिटक के चप्पलों से वो कीचड़ आती है, तो उसको हम कीचड़ को बोलते हैं मड, आप इसको डर्ट भी कह सकते हैं। और जो कीचड़ की छींटे होती हैं, उसको हम बोलेंगे स्प्लैटर। दोस्तों बारिश की जो बूंदें होती हैं, उसको हम कहते हैं द रेन ड्रॉप्स।
हल्की हल्की जो बारिश होती है उसको हम बोलते हैं ड्रिजलिंग। तो आप अगर बोलना चाहते हैं बूंदाबांदी हो रही है या फिर हल्की हल्की बारिश हो रही है तो आप इसको बोल सकते हैं इट्स ड्रिजलिंग, इट्स ड्रिजलिंग। अगर आपको बोलना है कि बस बौछार हो रही है तो आप बोलेंगे इट्स शावरिंग, इट्स शावरिंग। तो दोस्तों अगर आपके पास भी कुछ और वर्ड हैं जो आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और साथ ही साथ ये भी लिखें कि आप आज का वीडियो आपको लगा कैसा, इसको शेयर भी करें, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे। Do you want to know?